एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत कर रही है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन इज सो दैट फर्स्ट में आपका है टेन 48 प्लस टेन 23, टेन 42, टेन 67 इक्वल टू 1। सेकेंड है कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल है एंड इसकी वैल्यू आपकी जो है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल लेके आएंगे। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू आपकी क्या है 10 48 10 23 10 42 10 67। ठीक है, तो एंगल इसमें आपके हैं 48 23 42 67 और इनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू हमको फाइंड नहीं है, क्योंकि जो आपके टेबल के बने उनमें इन एंगल्स की वैल्यू जो है नहीं है, तो इनकी वैल्यू हमको नहीं पता। तो इस टाइप के आपके जितने भी हैं जहाँ पे आपका एक ऐसा एंगल आ जाए जिसकी हमको वैल्यू फाइंड ही नहीं है, हमको पता नहीं है, तो आप इतनी बात याद कर लें वहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब हमको इसमें ये चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला पेयर कौन कौन सा है। अब इसमें आपके टोटल जो वैल्यूज हैं वो सब डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 अलग वैल्यूज हैं, तो फोर वैल्यूज से जो है 2 2 का पेयर बन जाएगा, मतलब 2 पेयर बनेंगे। तो हमको उसमें पेयरिंग करनी है कि कौन कौन से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप ध्यान दें तो 42 होगा एंड 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 होगा। इट मीन्स इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया और इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब 42 और 48 42 23 67, अब हमारे पास क्या है, या तो हम 48 को 42 में कन्वर्ट करें या 42 को 48 में कन्वर्ट करें, ये दोनों का रिलेशन हो गया। सेम, या तो हम 23 को 67 में कन्वर्ट करें या 67 को 23 में, ये आपके पास ऑप्शन है कि इन दोनों में से आप किसी एक को अदर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम इसमें भी आपके पास ऑप्शन है किसी एक को आप अदर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले को तो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, मतलब 10 48 को हम चेंज नहीं करेंगे और इसमें भी हम 10 23 को चेंज नहीं करेंगे। मैं चेंज करूँगा 42 को 48 में, तो 90 माइनस 42 ये आपका क्या होता है 48 हो जाएगा। तो 48 की जगह सॉरी 48 90 में से 48 को माइनस करूँगा तो अगेन आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर आपका 10 है तो हम 10 ही लिखेंगे। सेम ये आपका 67 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23। ठीक है, तो अगर मैं 90 में से 23 को माइनस करूँगा तो आपका अगेन 67 आ जाएगा और बाहर आपका 10 है। नाउ ये तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा 10 48, इसको तो हमने कुछ करना नहीं है। 10 23 ये आपका एज इट इज लिखा जाएगा। नाउ 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 48। सेम यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट 23, तो आप आपके एंगल सेम हो चुके हैं। नाउ कॉट और 10 का रिलेशन कैसा होता है इनवर्स का, तो 10 48 और 10 23 को एडजस्ट लिखा, इस कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, इनका इनवर्स का भी रिलेशन होता है दोनों का, तो जाएगा 10 48 इंटू कॉट, ये भी आपका 1/10 23 से 10 23 कट, ये आपको ऊपर है ये आपका नीचे है, सेम ये आपकी कट, तो ये आपका 1 × 1 × 1/1 × 1/1, तो यहाँ पे 1 1 जा 1 जा 1 जा, ठीक है आपके कट हो गए, तो इसे आपका सब 1 1 हो गया, तो आपके सब की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। सेकंड पार्ट आपका क्या है, तो इसको मैं देता हूँ इक्वल टू RHS, ये आपका आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका क्या था, तो LHS इज इक्वल टू कॉस 38
कॉस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। सेम इसमें भी 38 की भी वैल्यू हमको पता नहीं है, 52 की भी, तो कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन हमको ढूंढना पड़ेगा। 90 वाला, 90 माइनस वाला, इसमें फॉर्मूला लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला, ठीक है। तो 38 एंड 52, 38 52। बट यहाँ पे एक चीज़ है इससे डिफरेंट, इसमें हमारे फोर अलग अलग एंगल थे तो हमारा टू का पेयर बना था, बट इसमें हमारे एंगल जो है वो टू ही हैं, 38 52, 38 52। तो जो हमारा पेयर बनेगा वो सिंगल पेयर बनेगा, जितने एंगल्स उसके हाफ पेयर, फोर एंगल टू पेयर, टू एंगल वन पेयर, ठीक है। तो 38 और 52 दोनों को ऐड करोगे 90 हो जाएगा, इट मीन्स इन दोनों का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो हमको किसी एक को चेंज करना है, चाहे आप 38 को 52 में कन्वर्ट करें, चाहे 52 को 38 में, ठीक है। तो मैं 38 को कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस 38, और 52 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 38, ठीक है। अगेन आपका 52 मिल जाएगा, बाहर आपका कॉस है, कॉस ही लिखा रहेगा, माइनस। सेम इसमें मैं 38 को कन्वर्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमको सब में 38 को मैं कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये भी 38, 38, 38। तो हम इसको करेंगे 52 को, तो साइन का साइन ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 38। सारे एंगल आपके 38 में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये आपका ऐसे लिखा रहेगा कॉट 38, सॉरी कॉस 38, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है। तो आपका ये हो जाएगा साइन 38 माइनस, ये तो आपका है ही साइन 38, ठीक है। ये आपका साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा मतलब कॉस 38, ठीक है। अब देखिए आपका ये सेम है, कॉस 38 साइन 30 है, साइन 30 है कॉस 30 है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये आगे पीछे है। इसमें देखो तो कॉस पहले है साइन बाद में, इसमें साइन पहले है कॉस बाद में, बाल की वैल्यू सबकी चेंज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम में कन्वर्ट करके इसको कट करेंगे, तो उसको मैं साइन 38 कॉस 38 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं पे आपका लिखा हुआ है 2 × 3 = 6 होगा, और 3 × 2 भी 6 होगा, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई में आपस में उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस ये आपको हो जाएगा साइन 38 कॉस 38, तो अब आपकी सेम वैल्यू है दोनों, तो ये भी आपका पूरा पूरा कट करना है, अलग अलग नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। इसमें आपको भी एक चीज़ ये ध्यान देनी है, मैंने देखा अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि कॉस 38 को तो कॉस 38 से कट करते हैं अलग, और साइन 38 को साइन 38 से कट कर सकते हैं कट करते हैं, तो ये आपका जो बिल्कुल रॉन्ग है। हमको इस पूरे से कट करना है, अगर आप अलग अलग कट करेंगे ऐसे, तो चलो आपका आंसर हो गया यहाँ पे इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको कट करते हैं साइन 38 कॉस 38 माइनस साइन 38 कॉस 38, अगर आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं साइन 30 करते हैं सॉरी साइन 38 से साइन 38 को, कॉस 38 से कॉस 38 को, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा काम हम अलग अलग कटिंग का काम हम मल्टीप्लाई डिवाइड में करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका एक पूरा एक टर्म है और ये आपका एक पूरा टर्म है, तो ये आपका पूरा कट होगा इससे। जैसे आपका मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 × 3 − 3 × 2, तो ऐसा नहीं इस 2 से 2 कट कर दिए 3 से 3, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और आप इनकी मल्टीप्लाई करके लाएंगे 6 − 6, तब आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा इस पूरे से कट होता है, तो ये पूरा इस पूरे से एक ही बार में आपको कट करना है, इस तरह से अलग अलग नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया।